एस्तर की पुस्तक अध्याय दो। एस्तर की पुस्तक अध्याय दो। एस्तर का पटरानी बन जाना। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष की जलजलाहट ठंडी हो गई, तब उसने रानी वश्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवती कुवारिया ढूंढी जाए। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों के लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवती कुवारियों को शूशन गढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दें और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुमारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वश्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाएगी। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ के मुर्द के नाम एक यहूदी रहता था जो खीश नाम के एक बिन्यामिनी का परपोता, शिमी का पोता और याइर का पुत्र था। वह उन बंधुओं के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बाबेल का राजा नबुकदनेस्सर यहूदा के राजा यकुन्याह के संग बंधुआ करके ले गया था। उसने हदसा नाम अपनी चचेरी बहन को पाला पोसा था जो एस्तर भी कहलाती थी, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवती स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दकै तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 मास तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या राजा के पास जाती थी कि जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास के राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और बिहान को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर सहेलियों के रखवाले राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। और यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती। जब मोर्दकै के चचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा और जिन्होंने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यो एस्तर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नाम 10वें महीने में पहुंचाई गई और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके
अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वश्ती के स्थान पर रानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की बड़ी जयमनार करके उसे एस्तेर की जयमनार कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब कुवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था और एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए। और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहां अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकै राजा के फाटक के में बैठा था तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे उनमें से बिकता नाम और तेरेश नाम दो जनों ने राजा क्षयश से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई और एस्तेर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटकाए दिए गए और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिखा गया था।